हैं कि हम लोग जो डिलिमिटेशन प्रपोजल्स हम बनवा रहे हैं मामलतदार और जॉइंट मामलतदार के जरिए, उसका डिस्प्ले पब्लिक के लिए मामलतदार ऑफिस में रखने के लिए हमने डेट ऐलान किया है 24 फरवरी टू 2 मार्च तक। ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल प्रिपेयर किया वो मामलतदार ऑफिस में अवेलेबल है, जो पब्लिक है वो आके उसको देख के उसका अपना सजेशंस मॉडिफिकेशन करेक्शंस कुछ चाहिए अपने वास्ते देख वो सब उनको बोल के वो करेक्शन करवा सकते हैं। वंस वो करेक्शन उन्होंने बोल दिया और हमने कैरी कर दिया इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, वो सब करके मामलतदार लोग हमको भेजेगा 8 तारीख से पहले या 8 तारीख तक मार्च तक थ्रू कलेक्टर से भेजेंगे हमको, उसको हम एग्जामिन करके वापस गवर्नमेंट को भेजता है। हमारा वोटिंग हमारा कोशिश है कि 90% तक वोट करवाने के लिए। कोविड के टाइम चला गया, अभी लास्ट टाइम ये पंचायत इलेक्शंस है, थोड़ा पीपल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होता है, तो लास्ट टाइम भी हमने 85 क्रॉस किया है। इस टाइम पे कुछ बढ़ा गया है कि वोटिंग लिस्ट के अंदर मेल फीमेल और न्यू अभी जो असेंबली का वोटर लिस्ट है वही हम अडॉप्ट करते हैं, 11,53,000 कुछ है, उतना ही हमको भी ले लेंगे, उसको म्यूनसिपालिटी को छोड़ के हम 9 लाख हैं। हम 9 लाख पंचायत एक डेट तो फिक्स होगा जब ऑल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिक्स होता है, पहले नहीं फिक्स होता, हम ही अनाउंस करते हैं। गवर्नमेंट का डेट तो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, डेट दिया तो वो नोटिफाई करता है, एज पर द एक्ट है ये। अभी तो कोविड जिसको हुआ अगर होता है तो कोविड के अगर प्रिकॉशन क्या लेंगे? अगर होता है तो सेम असेंबली में जैसा किया है वैसा ही करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल तो हर जगह फॉलो होगा, हमने जो म्यूनसिपैलिटी किया उसका कोविड प्रोटोकॉल के जरिए किया है। पंचायत एरिया में जो वार्ड और आपका डिलिमिटेशन है ना वो कब तक फाइनल होगा ऐसा लगता है? ये हम लोग 8 तारीख को हमने कलेक्टर से बुलवा रहे हैं।